हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सेमेस्टर सिक्स की एक नई बुक है जो हमने स्टार्ट करी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी एंड कस्टम लॉ। ये बुक बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों के लिए बेनिफिशियल है, अगर आप एसओएल डीयू में हो, रेगुलर में हो या एनसी वेब में हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस बुक के चैप्टर्स को। एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर किसी को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है और स्क्रीन पे भी नीचे नंबर शो कर रहा है। इस नंबर पे आप सिर्फ मैसेज करना व्हाट्सएप पे और नोट्स का मिनिमम अमाउंट पे करके पीडीएफ को बाय कर सकते हो। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकेंड, यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर वन। यूनिट नंबर वन जो इंट्रोडक्शन है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने ये नहीं देखा तो पहले इसको देख के आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे चैप्टर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, 23 लेक्चर्स के धीरे धीरे लिंक सारे मिल जाएंगे। हम करवाने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकेंड, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। इसका चैप्टर नंबर वन है और कह सकते हो चैप्टर नंबर टू, क्योंकि फर्स्ट ये रहा तो टू ये रहा, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं लाइन से 1, 2, 3 कह के करवा दूंगा। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी, आज हम ये चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर नंबर टू पे आ चुके हैं हम अपना, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर हम कुछ मेनली टॉपिक्स जो हाईली डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ से हैं। पहला है सप्लाई, इट मीनिंग एंड स्कोप। सेकेंड है यहाँ पर ये वाला, फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, हम ये टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके सारे चैप्टर्स में कवर करवा दूंगा। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी इज सप्लाई। तो यहाँ से द टैक्सेबल इवेंट इज जीएसटी इस सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यहाँ पर सबसे पहले सप्लाई की बात करी है, सप्लाई मतलब क्या होता है? सप्लाई होता है जब एक सेलर एक बायर को कोई सामान सेल करता है तो उसको क्या कहते हैं हम, सप्लाई हो रही है, ठीक है। सप्लाई दो चीज़ों में कैटेगराइज करी जाती है, फर्स्ट आती है जो आती है सप्लाई ऑफ गुड्स, सेकेंड आती है सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स के अंदर बहुत सारी क्लासिफिकेशंस होती हैं, अलग अलग तरह के गुड्स होते हैं, उनको क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में रखा जाता है। ऐसे ही जो सप्लाई होती है उसका मतलब होता है कि जो सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है कि सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं जो है वो सप्लाई करी जाती हैं और उन पर जीएसटी किस तरह से एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है वेरियस टैक्सेबल इवेंट इन द प्री जीएसटी टैक्स रिजीम सच एज मैन्युफैक्चर सेल रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज परचेज एंट्री इनटू ए टेरिटरी ऑफ स्टेट एटसेट्रा हैव बीन रिप्लेस्ड बाय जस्ट वन इवेंट इज सप्लाई। इन्होंने लिखा है कि जो नया टैक्स रिजीम है, टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग जो सप्लाई है, सेल्स है, परचेज है, उनकी जो एंट्री है, जो टेरिटरी है, एक देश के अंदर अगर हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कोई सेल कर रहा है किसी एक स्टेट में ही या एक देश में ही, या फिर कोई सर्विसेज बेच रहा है, कोई गुड्स सेंड कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, वो सारी चीज़ों पर जीएसटी लगता है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम एक सप्लाई का नाम देते हैं। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, नीचे कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है टू बी रीड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ प्रोविजंस के बारे में बताया जाएगा, अलग अलग तरह की क्या क्या प्रोविजंस हैं इन चीज़ों को लेकर। सबसे पहला प्रोविज़न है गुड्स को लेकर, गुड सेक्शन 2 क्लॉज 52 के अंडर ऑफ सीजीएसटी एक्ट कहता है मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मेरी बात ध्यान से सुनना, एवरी काइंड ऑफ हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले आपको ये क्लियर करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी की यहाँ पर मैंने एक सेक्शन ओपन करा है अभी फिलहाल, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है आपको समझाने के लिए, क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मूवेबल प्रॉपर्टी होता क्या है। लिखा है द मूवेबल, द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सपेक्ट लैंड एंड
things attached to the earth or permanently fastened to anything which attached to the earth. ठीक है, अब देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा है जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसमें इंक्लूड होती है सारे प्रॉपर्टी, एवरी तरह की प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन, कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसमें वो सब उसमें इंक्लूड है. बट एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट, कि कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि लैंड को, और ऐसी चीज़ें छोड़कर जो परमानेंटली ग्रो करती है अर्थ के साथ लगी रहती है. ठीक है, और यहाँ पर और भी लिखा है जैसे कि एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ, कोई भी ऐसी चीज़ जो परमानेंट तौर पर अर्थ से अटैच है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा. उसके अलावा जो भी चीज़ बचेंगी वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है. तो एक बार हम ये चेक करते हैं कि इसके अंदर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्या है. तो सेकंड थिंग, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है. जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होगी. ठीक है, सेक्शन नंबर 3 के अंदर लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में लिखा था, एनीथिंग दैट इज रूटेड इन द अर्थ, कोई भी ऐसी चीज़ जो धरती से जुड़ी हुई हो, जिसकी जड़ें धरती पर लगी हुई हो, एम्बेडेड इन द अर्थ, अर्थ के अंदर ही हो, और अटैच टू समथिंग एम्बेडेड इन द अर्थ इज कॉल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी. कोई भी ऐसी चीज़ जो धरती से जुड़ी हुई हो, लगी हुई हो, सपोज करो अगर मान लो कोई मैंने मूली रखी है, मूली जो है वो धरती से जुड़ी रहेगी क्योंकि उसमें उगती धरती में, ठीक है, उसकी रूट उसमें जा रही है, तो वो एक काइंड से जो मूली है, वो जो मूली है जो मैंने सब्जेक्ट लिया है मूली, वो एक तरह की क्या हो जाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी. ठीक है, हाउएवर यहाँ पे लिखा है ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टैंडिंग टिम्बर आर एक्सपेंशनल. देखो इन्होंने बोला ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, जैसे कि कोई फसल हो गई, घास फूस हो गई जो धरती से जुड़ी है, वो सारी ही इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है. तो आते हैं अब अपने चैप्टर पे. चैप्टर में सबसे पहले हमें बात करनी थी गुड्स की. गुड्स में लिखा था मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसी चीज़ें जो धरती से जुड़ी हुई हैं, धरती से लगी हुई हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़कर जो भी चीज़ आती है, ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह छोड़ दो अगर, बाकी सारी ग्रास वगैरह, तो जो चीज़ें बच गई वो बची हुई चीज़ें जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में आती हैं. आगे लिखा है यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो किसी भी तरह की हो, अदर देन मनी सिक्योरिटी. यहाँ पे बोला है दो वर्ड और हटा के, जैसे कि मनी और सिक्योरिटी, ये कभी भी गुड्स में नहीं आते. एंड इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, एंड इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड्स है. लिखा है ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्टैक्ट ऑफ सप्लाई. वो इस कॉन्टैक्ट ऑफ सप्लाई के अंडर नहीं आएंगे, ना वो गुड्स होंगे. नेक्स्ट पॉइंट है सर्विसेज. अब हम पढ़ेंगे सर्विसेज क्या होती है. सर्विसेज सेक्शन 2 क्लॉज 102 ऑफ जीएसटी एक्ट मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स. क्या बोला, एनीथिंग अदर देन गुड्स, गुड्स को छोड़कर, ये जो हमने गुड्स की बात करी है, ये गुड्स छोड़कर कुछ भी हो सकता है. गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, तीन चीज़ों को छोड़कर सर्विसेज होती हैं. गुड्स में आप पैसा नहीं रख सकते, मनी नहीं रख सकते, कोई सामान नहीं हो सकता, और सिक्योरिटी मतलब कि कोई भी ऐसी जमानत के तौर पे जो सिक्योरिटी रखी जाती है वो नहीं हो सकती. उसके अलावा जो भी चीज़ है वो सर्विसेज के अंडर आएगी, बाकी ये तीन चीज़ें सर्विसेज में इंक्लूड नहीं होती. लिखा है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू यूज़ ऑफ मनी और कन्वर्जेशन ऑफ मनी बाय कैश और बाय एनी अदर मोड. कह रहा है वो सारी एक्टिविटी जो हम मनी कन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं, वो मनी, कैश और अदर मोड ऑफ मनी जो है वो सर्विसेज कहलाएगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देते हैं. मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं, ये एक बैंक है, मैं बैंक में गया, मैंने कहा मुझे
₹100 है मेरे पास और इस ₹100 को डॉलर में कन्वर्ट करना है। किसमें? डॉलर में कन्वर्ट करना है। ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि जो मनी है वो कभी भी सर्विसेज में नहीं आएगी, और बट नीचे लिखा है कि यहाँ पर आएगी। अब देखो वही चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ, आएगी या नहीं आएगी। मेरे पास ₹100 हैं, रुपीज़ हैं। मैंने कहा कि सर मैं बैंक में गया, मैंने बोला इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दो, मेरे ₹100 को डॉलर में कर दो, मैं US जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है हम डॉलर में कन्वर्ट करके दे देंगे आपके पैसे को। उन्होंने दे भी दिया, बट उन्होंने कहा कि हम ₹100 में से 20% टैक्स काटेंगे इस पर, मतलब वो अपना चार्जेस लेंगे 20%। ठीक है, तो अब उन्होंने 20% काट लिए, मीन्स कहने का मतलब है 100 में से 20 गए तो मेरे को सिर्फ 80 रुपये मिले। मेरे को कितने मिले? 80 रुपये। अब इसमें से भैया ये बताओ सर्विस क्या हुई? सर्विस ना ये 80 रुपये है, ना वो 100 रुपये है जो मैंने इस बैंक वाले को दिए। सर्विस वो है जब उसने मुझे वो काट के पैसे दिए, तो जितने पैसे उसने काटे सर्विस के तौर पे मेरे पैसों पे, जो अपने पैसे उसने काटे 20%, वो होगी हमारी सर्विसेज। तो इसको हम सर्विस में ऐड करेंगे, समझ गए? तो ये जो 20 रुपये है ये सर्विस में ऐड होंगे, क्लियर है? अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी टू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन। देखो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो यही वाला है जिसमें लिखा है कन्वर्जेशन ऑफ मनी फ्रॉम वन मनी करेंसी टू अनदर, मतलब एक मनी करेंसी से दूसरी मनी करेंसी में कन्वर्ट करते टाइम जो आप सर्विस ले रहे हैं वो सर्विस के चार्जेस होंगे। आगे लिखा है फॉर विच ए सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, इसके ऊपर एक सेपरेट कंसिडरेशन है जो चार्ज होता है। अगला पॉइंट है एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स हमने ऊपर पढ़ा था जब हमने गुड्स रिवाइज किया था, गुड्स के टाइम पे हमने देखा था कि उसमें इंक्लूड था एक्शनेबल क्लेम, सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ CGST। यहाँ पे लिखा है मीन्स ए क्लेम टू एनी डेप्ट, मीन्स ए क्लेम टू एनी डेप्ट जो एक्शनेबल क्लेम होता है वो एक ऐसा क्लेम है जो हर तरह के डेप्ट पर होता है, अदर देन, बट यहाँ भी सेकंड पॉइंट में देखोगे अदर देन ए सिक्योर्ड डेब्ट बाय मॉर्टेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी आपको क्लियर किया था मैंने, सॉरी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो जमीन से जुड़ी होती है, रूटेड होती है, अटैच होती है किससे? ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टी छोड़कर, सिक्योरिटी के सिक्योर डेब्ट छोड़कर, मोर्टेज छोड़कर जो बाकी बच जाते हैं वो सारे एक्शनेबल क्लेम्स में आएंगे। यहाँ पे लिखा है हाइपोथिकेशंस और प्लेज PF मूवेबल प्रॉपर्टी टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ क्लेमेंशन। कह रहा है जितने भी तरह के बेनिफिशियल इंटरेस्ट हैं मूवेबल प्रॉपर्टी पे वो सारे छोड़कर हटाकर, विच सिविल कोर्ट रिकग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ, जिसमें एक सिविल कोर्ट ऑर्डर देता है कि ये जो चीज़ें हैं ये ग्राउंड रिलीफ हैं, मतलब कि रूटेड नहीं होनी चाहिए, इमूवेबल नहीं होनी चाहिए, तभी वो सिविल कोर्ट अगर मान लो ये कहता है, ये करार देगा कि ये जो चीज़ें हैं आपकी ये ग्राउंड रूटेड नहीं है, तभी वो इमूवेबल नहीं होगी, तभी वो मूवेबल मानी जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, डिबेंचर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स, बैंक गारंटी, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिसिप्ट, एरियरिन ऑफ रेंट एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर हमारा अगला मनी। मनी क्या है आपको क्लियर करते हैं, मनी क्या है? मनी मीन्स लीगल टेंडर ऑफ एनी फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्राफ्ट, पे मनी ऑर्डर, लेटर टू क्रेडिटर, ट्रैवलर चेक, पोस्टल इलेक्ट्रॉनिक रिमिटेंस और अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। मनी क्या है? बेसिकली मनी वो नहीं है कि आपने एक सिक्का रख दिया, उस सिक्के पे ₹2 छपा है तो वो मनी हो गया, नहीं। कह रहा है कि मनी ना कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट या एविडेंस हो सकता है जिसको गवर्नमेंट ने मनी का करार दे रखा है। ठीक है,
जरूरी नहीं कोई भी सिक्का ले आओ तो हर एक सिक्का मनी हो जाएगा। इसमें लिखा है कि कोई भी ऐसी फॉरेन करेंसी हो सकती है, चेक हो सकता है, प्रोमिसरी नोट हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्राफ्ट, लेटर क्रेडिटर का कोई भी चेक हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी हो सकता है, वो मनी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट मनी की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं जाता हूँ एक मूवी देखने, मैंने एक मूवी की टिकट बुक करी, मेरे मूवी की टिकट आ गई, ठीक है, मान लो मैंने उसके लिए 300-400 रुपये जो भी पे करे मैंने पे कर दिए, बट उन्होंने उसकी जगह मुझे एक स्लिप दी कि ये आपकी टिकट है, जैसे बस में आप टिकट लेते हो, वो टिकट नहीं है, वो आपका 300 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मनी है, एक तरह से पैसा है, वो 300 रुपये की वो टिकट नहीं है, वो पैसा है कि आपने 300 रुपये दिए हैं। अब ये 300 रुपये की जो टिकट है आप ले जाके अगर हॉल में दिखाओगे तो वो आपको एंट्री इजीली दे देंगे, क्योंकि उनकी तौर पे देखा जाए तो वो मनी का काम कर रही है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो गवर्नमेंट द्वारा इशू है और वो मनी का काम करे तो वो क्या है, मनी है। आगे लिखा है व्हेन यूज्ड एज अ कंसीडरेशन टू सेटल एंड ऑब्लिगेशन और एक्सचेंज, कोई भी कंसीडरेशन या कोई भी सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस को करने के लिए हम अपने मनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपने पैसों का इस्तेमाल अगर करते हैं विद इंडियन लीगल टेंडर ऑफ अनदर डिनोमिनेशन। यहाँ पे एक लाइन बोलिए, विद इंडियन लीगल टेंडर, अगर इंडिया में उस चीज़ को करार दिया है कि वो पैसा है और उससे हम किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो वो मनी के रूप में काम करेगा। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी करेंसी, इसमें कोई करेंसी इंक्लूड नहीं होगी, सिक्के पैसे नोट इंक्लूड नहीं है, कोई भी चीज़ जो नोट को हटा के मनी का काम करती है वो, दैट इज हेल्ड फॉर ए न्यूमिस्टिक वैल्यू सच एज ओल्ड टाइम, वो जो चीज़ है उसकी कोई एक न्यूमिस्टिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जैसे पुराने टाइम के समय में होता था ना कि मनी के बहुत बड़े बड़े सिक्के चलते थे, तो वो सिक्के नहीं होने चाहिए कि ओल्ड टाइम कॉइन्स की तरह हम बड़े बड़े सिक्के लेके आ जाएं कि वो मनी है कह के। आजकल मनी डिजिटल हो गई है, बहुत ज़्यादा हल्की है। अगे लिखा है, अगला पॉइंट है कंसीडरेशन, कंसीडरेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 31 ऑफ CGST एक्ट इंक्लूड एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, ठीक है, इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड, कोई भी पेमेंट, जो कोई भी पेमेंट हो, इंक्लूड एनी पेमेंट बोला है इन्होंने, ठीक है, एनी पेमेंट मेड टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज सप्लाई ऑफ गुड्स अदरवाइज सर्विसेज और बोथ। कंसीडरेशन क्या है, कोई भी तरह की पेमेंट अगर आप किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए कर रहे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, हो रहा है और आप सर्विसेज या सप्लाई को खरीद रहे हो किसी चीज़ के लिए भी, कोई भी पेमेंट का यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है, कंसीडरेशन है, उसके बदले में आप पैसे चुका रहे हो। अगला पॉइंट है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेयरेंस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ वेदर बाय रिसिपियंट और बाय एनी अदर पर्सन थर्ड पार्टी। कोई भी मॉनेटरी वैल्यू अगर सप्लाई करते टाइम अगर आप रिसिपियंट को पे करते हो, चाहे आप या आपके बिहाफ पर कोई अदर पर्सन या थर्ड पार्टी पे करता है पैसे, तो वो कंसीडरेशन ही कहलाता है। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल CG गवर्नमेंट, कह रहा है इसके अंदर कोई भी कंसीडरेशन में कोई गवर्नमेंट की सप्लाई या सब्सिडी शामिल नहीं होगी। एग्जाम्पल लेते हैं LPG गैस सिलेंडर वाला, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, तो देखो आपके घरों पे सिलेंडर आते हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडियन का सिलेंडर चलता है, HP का भी चलता है, भारत के भी चलते हैं, बहुत सारे हैं ना अलग अलग तरह के, तो जब आप सिलेंडर बुक करते हो तो उसके लिए कुछ चार्जेस देते हो, जैसे कि सिलेंडर 900 रुपये का पड़ता है, 1000 रुपये का पड़ता है, कभी कभी 1100 का पड़ता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने उस पर सिलेंडर बुक किया, ऑनलाइन पेमेंट करी, ऑनलाइन पेमेंट करने पर आपको मिलता है कुछ डिस्काउंट सब्सिडी, वो सब्सिडी 20-30 रुपीज़ के लगभग होती है, वो आपकी बच जाते हैं पैसे अगर आप ऑनलाइन वगैरह पे करते हो, अब वो सब्सिडी आपकी बच गई है, तो वो एक तरह से कंसीडरेशन का रूप नहीं ले सकती। कंसीडरेशन मतलब कि अगर सामने वाले ने कोई सर्विस या कोई गुड्स प्रोवाइड करा तो उसके बिहाफ पर आप उसे पैसे दें, पैसे मीन्स पैसे, ना कि सब्सिडी जो कि सरकार ने मान्यता दी हो, जिसे सब्सिडी पैसों में इंक्लूड नहीं होती, ठीक है, तो ये लाइन यही है। नेक्स्ट पॉइंट है डिपॉजिट गिवन बाय सप्लाई ऑफ
GS shall not be considered as payment made for such supply unless supplier applies such deposit as consideration for said supply. कोई भी पैसा जो है supply के नाम पर deposit करना, उसको considerations को payment करना, वो एक तरह के supplier का जो consideration है वो supply नहीं माना जाएगा. Next है curricular. Curricular means वर्क ऑफ आर्ट गिवन बाय आर्टिस्ट टू ए आर्ट गैलरी. एक आर्टिस्ट है जिसने एक आर्ट बनाई है, एक वर्क करा है, अपना एग्जीबिशन में लगाया है. एग्जीबिशन इज नॉट सप्लाई सिंस एग्जीबिशन इज नॉट सप्लाई सिंस नो कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम गैलरी टू द आर्टिस्ट. एग्जीबिशन ने साफ मना करा है कि यहाँ से कोई सप्लाई नहीं होगी, कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा किसी तरह का गैलरी में. आर्टिस्ट की जो फोटोज लगी हैं, एग्जीबिशंस लगी हैं, आर्किटेक्ट्स लगे हैं, तो उनको कोई भी सेल या परचेज नहीं हो सकता. हाउएवर व्हेन ए बायर सिलेक्ट ए पर्टिकुलर आर्ट वर्क डिस्प्ले टू द गैलरी. क्या होगा जब कोई भी आर्टिस्ट जो है, या फिर बोल सकते हो कोई भी तरह का डिस्प्ले कर रखा है गैलरी में आर्ट, और किसी बायर को वो पसंद आ जाता है, वो सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे ये लेना है. एक्चुअली सप्लाई टेक प्लेस एंड एप्लीकेबल जीएसटी. सप्लाई पर हमेशा जब सप्लाई होती है तो उस पर जीएसटी इंक्लूड होता है, टेक प्लेस होता है, ठीक है. वुड बी पेबल टू एट अ टाइम ऑफ सच सप्लाई. सप्लाई के टाइम पर वो जीएसटी पे करना होता है. बट आर्ट गैलरी में यहाँ पर सप्लाई नहीं है क्योंकि एग्जीबिशंस गवर्नमेंट द्वारा ये यहाँ पर सप्लाई नहीं ले सकते. तो यहाँ पर करिकुलर समझ आ गया. नेक्स्ट है टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 2 क्लॉज 108. सो हम कहाँ पे आ गए थे? टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज लाइवेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट. कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें टैक्स लगाया गया है अंडर दिस एक्ट, वो टैक्सेबल सप्लाई होगा. टैक्सेबल टेरिटरी सेक्शन 2 क्लॉज 109. टेरिटरी टू विच द प्रोविजन ऑफ एक्ट सप्लाई. टेरिटरी वो प्रोविजन जहां पर अप्लाई करा गया है, ये टेरिटरी टैक्सेबल, ठीक है. सप्लायर सेक्शन नंबर 2 105 क्लॉज. पर्सन सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इंक्लूड एजेंट ऑफ सच सप्लायर. जहाँ पर एक पर्सन एक एजेंट के थ्रू सप्लाई कर रहा है, वो सप्लायर. एजेंट मतलब क्या होता है? एजेंट मतलब होता है मीडिएटर. अब मीडिएटर क्या होता है भाई? मीडिएटर होता है, आपने एक चैन देखी होगी जहाँ पर ये प्रोड्यूसर है, ये है कंज्यूमर. तो प्रोड्यूसर जो बना रहा है वो कंज्यूमर पे माल नहीं लेके आता, अपने नीचे वो कुछ छोटे छोटे मीडिएटर लगा देता है. इसने माल इसको बेचा, ये माल इसको बेचेगा, ये इसको, और इससे कंज्यूमर खरीद लेगा. तो ये जो तीन लगे हैं इनको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? इनको बोला जाएगा मीडिएटर या सप्लायर. सप्लायर फैमिली मीन्स द स्पोज एंड चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट्स. देखो जो बच्चों का नाम होता है वो कैसे रखा जाता है? पेरेंट्स वगैरह के नाम पे, ठीक है. नेक्स्ट है उसके बाद द पेरेंट्स गार्ड पेरेंट्स सॉरी ग्रैंड पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंड ऑन द सैड पर्सन. सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 49 कहता है कि जितने भी घर के फैमिली मेंबर्स वगैरह हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किसी एक पर्सन पे कि उसने क्या कहा. आगे लिखा है प्रिंसिपल. प्रिंसिपल जैसे कि स्कूलों में होता है कि एक बड़ा प्रिंसिपल है, ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है बट कुछ ऐसा ही है. प्रिंसिपल सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 28 क्लॉज 88 means a person on whose behalf an agent carries on the business of supply and receipt of goods, services, both. एक ऐसा person जो एक agent की तरह काम करेगा किसी के behalf पर, वो person जो काम करवा रहा है वो principal कहलाएगा. For example, अगर मैं बोलूँ जैसे बायजूस है, बायजूस ने काफ़ी सारे टीचर्स हायर करे हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं. अब वो जो टीचर्स से बच्चे पढ़ रहे हैं, हम तो ये समझते हैं कि ये प्रिंसिपल है. बायजूस ने अपना एक ऑफिस खोला होगा, उसमें एक प्रिंसिपल और कुछ टीचर रख दिए होंगे. वो जो प्रिंसिपल रखा है, वो जो टीचर्स रखे हैं,
जिससे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो जो प्रिंसिपल रखा है, क्या वो प्रिंसिपल है? नहीं, वो प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल तो कोई और है जिनके बिहाफ पर ये लोग काम कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऐसा कोई और। आगे लिखा है बिजनेस, सेक्शन 2 क्लॉज 17। बिजनेस क्या है? बिजनेस में इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्या होता है भाई? जो जो इसमें शामिल है वो इंक्लूड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें शामिल हैं। पहला आएगा ऑन ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेगर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज़, जितनी भी होती हैं वो बिजनेस में शामिल होती हैं। एनी एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन इज कनेक्शन विद द इंसिडेंशियल और इनक्लेरी टू अबव ए, जो ऊपर बताया गया है उसमें से। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर अबव वेदर और नॉट देयर इज वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजेक्शन, वो इसमें शामिल है। सप्लाई ऑफ एजुकेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड कैपिटल सेट्स या फिर सर्विसेस, दोनों इसमें शामिल है। प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी एंड सच बॉडी शामिल है। एडमिशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रीमिसिस फॉर ए कंसिडरेशन, किसी को पार्टनर बना के एज अ एड करना पर्सन, वो भी शामिल है। सर्विसेज सप्लाइड बाई ए पर्सन एंड होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम, वो भी इसमें शामिल होगा, चाहे वो किसी तरह का प्रोफेशन हो या वोकेशन हो। आगे अगला पॉइंट है रिसिपियंट, रिसिपियंट, रिसिपियंट व्यक्ति क्या होता है? अभी आपने पढ़ा जैसे कि रिसिपियंट, तो रिसिपियंट से आपके दिमाग में क्या आता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाय करी हो और उसके बदले उसको क्या दिया हो, पैसा, क्या दिया हो, पैसा, मनी, ठीक है, तो वो क्या होगा? रिसिपियंट होगा। रिसिपियंट सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 93, इट कंसिडर इट पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, द पर्सन लाइबल टू पे द कंसिडरेशन इज द रिसिपियंट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने पे करा हो सप्लाई गुड्स एंड सर्विस के बदले में और वो पर्सन जिसको पे करा गया है वो कंसिडरेशन, वो रिसिपियंट कहलाएगा, ठीक है। इफ नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई और गुड्स, क्या होगा अगर कोई कंसिडरेशन ही पे ना करा जाए किसी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बदले, देन पर्सन टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल, वो पर्सन जिसने वो गुड्स अवेलेबल कराए हैं, लोगों तक पहुंचाए हैं, डिलीवर्ड कर रहा है, वो पर्सन होम पोजेशन और यूज टू गुड्स गिवन बाय मेड अवेलेबल कंसिडरेशन इज द रिसिपियंट, उसको अगर वो कंसिडरेशन ना मिले जो कि रिसिपियंट है उस जगह पर, वो रिसिपेंट होगा। आगे लिखा है इफ नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, अगर सर्विसेज के बदले सर्विसेज यूज कर ली बट उसके बदले आपने पैसा पे नहीं किया, देन पर्सन टू होम सर्विसेज रेंडर्ड कंसिडर द रिसिपेंट, वो उसका रिसिपियंट है और उस व्यक्ति ने जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराई है उसका पैसा आपको पे करना पड़ेगा। लिखा है अगला टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड यू एस सेक्शन 22 और 24, ठीक है। कह रहा है टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन है जो रजिस्टर्ड है और जो लाइबल भी है उस रजिस्टर्ड के, वो टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, Even an unregistered person who is liable to be registered person is taxable person. कोई ऐसा unregistered person जो कि liable है tax pay करने के लिए एक registered person को, वो taxable person होता है। आगे लिखा है इस person who is not liable to be registered, एक ऐसा व्यक्ति जो liable ही नहीं है किसी registered होने के, बट हैज़ टेकन वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, उसने कुछ वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया है अपने आप से ये दिखाने के लिए कि वो एक ऑल्सो टैक्सेबल पर्सन है, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ ऐसा दिखाने के लिए, तो वो एक टैक्सेबल पर्सन होगा। सप्लाई बिटवीन टू नॉन टैक्सेबल पर्सन, देखो सप्लाई ये राम है ये श्याम है, दोनों ही नॉन टैक्सेबल पर्सन है, दोनों में से कोई रजिस्टर्ड नहीं है, डज नॉट कंस्टिट्यूट टैक्सेबल सप्लाई, इनके बीच में अगर कोई सप्लाई हो रही है, कुछ लेन देन हो रहा है
इस सप्लाई को हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूट टैक्सेबल सप्लाई, क्योंकि ना ये रजिस्टर्ड है ना ये रजिस्टर्ड है, दोनों में से कोई लायबल नहीं है, दोनों में से नॉन टैक्सेबल होगा, तो इसीलिए नॉन टैक्सेबल सप्लाई कही जाएगी। क्लियर है? दोनों में से अगर एक पर्सन भी टैक्सेबल रजिस्टर्ड होता, टैक्सेबल होता, तो ये टैक्सेबल सप्लाई होती ना कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती। ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट सप्लाई शुड बी मेड टू एनी अदर पर्सन, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि सप्लाई जो है वो किसी भी पर्सन को कर दी जाए, बस ऐसा होना जरूरी है कि सप्लाई करते टाइम या तो खुद का या सामने वाले का, किसी एक का टैक्सेबल होना कंपलसरी मैंडेटरी होता है टैक्सेबल सप्लाई के लिए, टैक्सेबल पर्सन के लिए, वरना तो टैक्सेबल पर्सन का काम ही नहीं है। ओके, नाउ वी डिस्कस पॉइंट नंबर नेक्स्ट, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी। वी डिस्कस थ्री पॉइंट इन दिस। ए, फर्स्ट, ए टैक्सेबल इवेंट इज एनी दैट रिजल्ट्स इज एन टैक्स इम्पोजिशन। एक टैक्सेबल इवेंट जिसका रिजल्ट टैक्स इम्पोजिशन है, टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी जिसमें सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हमने देखा। इफ देयर इज नो सप्लाई, अगर कोई सप्लाई ही नहीं है, देन देयर वुड बी नो जीएसटी, जब सप्लाई नहीं तो जीएसटी भी नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 7 रीड करेंगे, जिसके शेड्यूल के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन चीज़ें मेंशन करी गई है। सेक्शन नंबर 7 में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई हमें समझाया गया है, बड़ी प्यारी भाषा से समझाया जाएगा। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, शेड्यूल 1, एक्टिविटीज टू बी ट्रेटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो भैया इसने कहा कि एक्टिविटीज जो है ट्रेटेड करेंगे सप्लाई की तरह, बट कंसिडरेशन मेड नहीं करेंगे, पहला रूल। रूल नंबर 2 क्या कहता है, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हम ना ट्रांजेक्शन ऐसे मेड करेंगे जहाँ पर सप्लाई भी है गुड्स एंड सर्विसेज की, सब चीज़ है। शेड्यूल 3, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि हम इस तरह से सप्लाई ट्रीट करेंगे कि जहाँ पर सप्लाई हुई ही नहीं है, सर्विसेज हुई ही नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं, कोई सप्लाईज नहीं, कुछ नहीं बेचा गया। सेक्शन नंबर 7 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 7 कॉज ए, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, वीडियो मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई किस किस में इंक्लूड होती है, तो ऊपर सबसे पहले लिखा है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस। देखो सप्लाई इंक्लूड होती है सर्विसेज और गुड्स दोनों में। सप्लाई में चाहे वो सेल हो चाहे ट्रांसफर हो, ट्रांसफर क्या होता है, आपने अपना कोई सामान लेके ट्रांसफर कर दिया दूसरे को। बार्टर, आपने पैसे नहीं दिए, आपने पैसे नहीं दिए, पैसे के बिना आप अगर सप्लाई कर रहे हो और सामने वाला भी पैसे के बिना आपको कुछ चीज़ दे रहा है, वो बार्टर सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल राम के पास दो आलू हैं, क्या है, दो आलू हैं। ये शाम है, शाम के पास है जूते, शाम को जूते चाहिए थे, राम को आलू चाहिए थे, सॉरी राम के पास तो आलू है ना, शाम के पास तो जूते हैं ना, तो राम को जूते चाहिए थे, शाम को आलू चाहिए थे, तो दोनों ने बोला भाई मैं तुझे आलू दूंगा तू मुझे जूते दे दे, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। ये बार्टर बोलते हैं इसको, पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, बट यहाँ पर एक्सचेंज तो हो रहा है, पैसे भी नहीं लग रहे, इसको बोलेंगे बार्टर सिस्टम या फिर एक्सचेंज बोलते हैं आज के टाइम पे। लाइसेंस, रेंटल, लीज, ठीक है, लीज मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम शॉर्ट पीरियड के लिए अगर कुछ लिया हो तब उसको। आगे लिखा है इमोशन इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडर्ड वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सी पॉइंट है
एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल वन, जो स्केड्यूल वन में बताया गया है, मेड और एग्री टू बी विदाउट ए कंसिडरेशन, कि विदाउट कंसिडरेशन किस तरह से सप्लाईज होती हैं वो चीज़, या फिर पॉइंट नंबर बी में जैसा लिखा गया है, कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस इन बिजनेस, कंसिडरेशन नहीं हो सकती सर्विसेज का, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 7 कॉज नंबर 2, इसके अंदर मैं सिर्फ हेडिंग ही रीड करवाऊंगा आपको, दो तीन हेडिंग है बस, इसमें ज़्यादा नहीं है। पहला है नॉट विद स्टैंडिंग, इन्होंने ना एक मिसप्रिंट करा है बुक में, अगर आप देखोगे नॉट विद स्टैंडिंग इन्होंने एक साथ लिख दिया है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1, हम उनके साथ नहीं हैं जो सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर 1 में कंटेन किया जाएगा। आगे लिखा है सेक्शन 7 कॉस 3 में, ए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बी में लिखा है ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड नॉट ए सप्लाई ऑफ गुड्स, ऊपर नॉट ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि हम गुड्स सप्लाई करेंगे सर्विसेज सप्लाई नहीं करेंगे, नीचे सर्विसेज सप्लाई करेंगे बट गुड्स सप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हम आ गए हैं पॉइंट नेक्स्ट है हमारा, जिसका नाम है डेफिनेशंस ऑफ सप्लाई। वीडियो थोड़ी लेंथी है बट मैं सारा कुछ कवर करा दूंगा भाई एक वीडियो के अंदर ही, टेंशन मत लो। डेफिनेशंस ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 7 कॉस ए कॉस 1, सप्लाई क्या है, सप्लाई मतलब होता है इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, चाहे वो गुड्स में हो या फिर वो सर्विसेज में हो, ठीक है। इसमें लिखा है सेल, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर कंसिडरेशन, चाहे वो किसी भी तरह का सेल हो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो, कंसिडरेशन के लिए हो, ट्रांसफर हो, बार्टर हो, गुड्स के बदले गुड्स अगर आप दिया हो, या फिर एक्सचेंज हो, जैसे कि गुड्स विद पार्टली गुड्स पार्टली इन मनी, कुछ किस्तों की तरह, लाइसेंसेबल हो, लीज पे लिया हो, इस तरह का, जो हमने ऊपर ही डिस्कस करा था अभी, ठीक है। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं कोशिश करूंगा इनमें से एक दो एग्जाम्पल आपको पढ़वाऊं। पहला लिखा है सेल ऑफ ए सेकेंड हैंड कार, एक सेकेंड हैंड कार सेल करी गई है, विच वॉज परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज, वो पर्सनल यूज के लिए खरीदी गई थी। एक आदमी है, इसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी एक आदमी का नाम है, जी हाँ, कन्याकुमारी ने एक सेकेंड हैंड कार परचेज करी, पहले परचेज करी पर्सनल यूज के लिए, बट अब उसे बेच दिया, सेकेंड हैंड कार को सेल ऑफ कर दिया, ठीक है। आगे लिखा है एन इंडिविजुअल इज नॉट ए सप्लाई, अगर ये अकेला ऐसा कर रहा है, इसने इसको बेचा कर, अगर ये ऐसा इसको सेल कर रहा है, तो ये कोई सप्लाई नहीं है अंडर GST बिकॉज द सप्लाई इज नॉट मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस इन बिजनेस। कहता है GST जब तक इसके पास नहीं है, जब तक ये रेगुलर बेसिस पे बिजनेस की तरह डीलिंग नहीं कर रहा, तब तक ये कोई एक सेल तो करी है इसने, नॉर्मल सेल है, अपनी कार बेचना कोई सेल नहीं है, इसको एक बिजनेस के नज़रिए से सेल कंसिडरेशन नहीं दिया जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस क्या करता है, रोज कार बेचता है, रोज कार लेते हैं, रोज बेचते हैं, रोज लेते हैं, इस तरह से चलता है, बिजनेस है वो, है ना, मगर ये बिजनेस है इसका, इसने खुद के लिए खरीदी, खराब हो गई होगी तो बेच दी, तो ये क्या है, सिर्फ एक बार करेगा एक्टिविटी, बार बार नहीं कर रहा, तो जब एक्टिविटी सिर्फ सिंगल टाइम हो तो वो सप्लाई कंसिडरेशन नहीं होगी, इस पर कोई GST नंबर नहीं होगा, ठीक है। आगे लिखा है सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बाय इंडिविजुअल टू ज्वेलर विल नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई, अगर आपने किसी ज्वेलर से सोने के दो कंगन खरीद लिए ना, तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगी, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ खरीद लिया तो वो सेल वगैरह तो कहलाएगी, मगर सप्लाई वगैरह ऐसा कुछ नहीं कहलाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं कहलाएगी, ठीक है, सप्लाई, क्योंकि वो एक बिजनेस नहीं है, वो एक इंडिविजुअल के पर्पज़ से खरीदा गया। हो सकता है आपने अपनी मम्मी के कंगन गिफ्ट करने के लिए खरीदा हो, मम्मी को गिफ्ट करने के लिए खरीदा हो, है ना। आगे लिखा है उसके बाद रेजिडेंस वेलफेयर, काफ़ी सारे लोग रेजिडेंस वेलफेयर करते हैं, रेजिडेंस वेलफेयर मतलब होता है कि लोगों की भलाई में काम करना। जब आप लोगों की भलाई में काम करते हो, फिर आप ये सोचो कि हमें उसके लिए एक टैग मिल जाए कि हम एक बड़े डीलर या सप्लायर हैं, तो भी नहीं मिलेगा। आप एक वेलफेयर काम कर रहे हो, आप एक NGO की तरह काम कर रहे हो,
तब आपको वहाँ पे सप्लाई नहीं माना जाएगा, सरकार आपको सप्लाई का ठप्पा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो लोगों की, ना कि वहाँ पे एक बिजनेस चला रहे हो। बिजनेस तो वो होता है जहाँ पे पैसा आएगा और जाएगा, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, देखो इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विस को इम्पोर्ट करना फॉर कंसिडरेशन, पैसों के बदले या किसी भी दूसरी चीज़ के बदले, सेक्शन 1(1)(b), ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़, इसमें दो पॉइंट लिखे, मैं दो पॉइंट डिस्कस करूँगा, एग्जांपल नहीं करूँगा भाई, एग्जांपल ज़्यादा हो जाएंगे। इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। कोई भी इम्पोर्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बदले में हम पैसे चार्ज कर रहे हैं, ले रहे हैं और उसको एज अ रेगुलर बेसिस पे ट्रीट कर रहे हैं, वो सप्लाई मानी जाएगी। दिस इज़ द ओनली एक्सपेक्टेशन टू द कंडीशन ऑफ सप्लाई। एक ही कंडीशन है सप्लाई की, बस एक ही मानना होता है सप्लाई का, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, बिजनेस की तरह होनी चाहिए एक्टिविटी, बस सप्लाई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो भैया हम इसमें से छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं भैया। तो सबसे छोटा एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाला ही है, रिसीविंग आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर हाउस फ्रॉम एन आर्किटेक्ट लोकेटेड इन दुबई। हमने क्या करा, आर्किटेक्ट की सर्विस यूज करी, गुड्स नहीं है, सर्विस यूज करी। आर्किटेक्ट कहाँ लोकेटेड था, दुबई में, ठीक है, एग्रीड होते हैं। लिखा है एट एन एग्रीड कंसिडरेशन विल कंस्टिट्यूट सप्लाई, और हमने उसका जो पैसा बनता था उसको भेज दिया। ये क्या है, एक सप्लाई है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हम जो हैं बार बार घर रेनोवेट तो कराएंगे नहीं, इतनी बार, एक बार कराएंगे, बट जो हमने आर्किटेक्ट हायर किया है वो एक बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो तो एक आर्किटेक्ट है ना, उसका तो काम ही यही है, तो वो कैसे अपना कंसिडरेशन छोड़ रखता है। दोनों में से कोई एक जना भी अगर ऐसा हो जो सप्लाई में इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो वो क्या होगी, सप्लाई कहलाएगी, सेक्शन 7(1)(b) क्लॉज, ठीक है, क्लियर है। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, अभी हमने पढ़ा सप्लाई विद कंसिडरेशन ऊपर, अब हम पढ़ेंगे सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं होगा जिसमें। पार्ट ए, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स। आपने अपने किसी बिजनेस असेट्स को, मशीनरी को, लैंड को, बिल्डिंग को अपने फ्रेंड्स को गिरवी कर दिया, फ्रेंड को दे दिया, गिरवी नहीं कर दिया मीन्स दे दिया, कुछ बिना लिए ऐसे ही दे दिया, फ्री में दे दिया, क्या है, सप्लाई है, विदाउट कंसिडरेशन, कोई पैसा नहीं लिया आपने। सेक्शन नंबर 7(1)(c) क्या बोल रहा है, विदाउट कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं ना, सारे कंसिडरेशन 7 में ही आएंगे, 1(c)(b)(a), बस ये चेंज रहेगा, ठीक है। लिखा है पॉइंट नंबर 1, बिजनेस असेट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज ब्लॉट नॉट अवेलेबल अंडर GST। ऐसा कोई बिजनेस असेट जिसका कोई आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट ना मिले, कुछ भी नहीं मिलता अंडर GST, वो क्या है, एक तरह से सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, आप उस चीज के लिए एलिजिबल ही नहीं हो कि आप उसका टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सको, ले सको, ये भी विदाउट कंसिडरेशन आएगा, ठीक है। रिलेटेड पर्सन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 15। रिलेटेड पर्सन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है पर्सन आर डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन इन केस ऑफ फॉलोइंग। इन केसेस को अगर कोई मानता है तो वो एक तरह से रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1, सच पर्सन आर ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन अनदर बिजनेस। किसी भी बिजनेस का कोई डायरेक्टर या कोई ऑफिसर हो सकता है, रिलेटेड पर्सन, या फिर सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर। सरकार के नज़रों में वो एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर हो। सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, वो पर्सन कोई एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय भी हो सकता है। थर्ड पर्सन कंट्रोल होल्ड, कोई भी थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन हो सकता है। आगे लिखा है वन पर्सन कंट्रोल द अदर पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, थर्ड पर्सन कंट्रोल बोथ ऑफ देम, सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल ए थर्ड पार्टी, मतलब कि कोई भी सच पर्सन जो थर्ड पर्सन है वो उनके साथ ही हो हमेशा। सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, वो सेम फैमिली के मेंबर हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज द सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर या सोल कंसाइनर ऑफ अदर्स, ठीक है, कंसाइनर।
यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दिया हुआ नीचे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मिस नेहा होल्डिंग 32% शेयर्स ऑफ एक्स वाई सॉरी एक्स लिमिटेड एंड 27% शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स और वाई लिमिटेड से दोनों से रिलेट करती है, दोनों में उसका शेयर है, तो मीन्स मिस नेहा जो है वो दोनों की पार्टनर भी होगी, दोनों से सलाह मशवरा भी कर सकती है इजिली, ठीक है। आगे लिखा है, ये एग्जाम्पल भी आप खुद रीड कर लेना, डिस्टेंट पर्सन सेक्शन नंबर 25। यहाँ पे डिस्टेंट पर्सन सेक्शन नंबर 25 बताएं, ए पर्सन हु ऑब्टेंड रिक्वायर ऑब्टेंड मोर देन रजिस्ट्रेशन वन, मोर देन वन रजिस्ट्रेशन, ऐसा पर्सन जिसको एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है इन स्टेट यूनियन टेरिटरी, किसी भी एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी शैल बी रिलेटेड एज डिस्टेंट पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ए रजिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट के तौर पर वो एक डिस्टेंट पर्सन कहलाएगा अगर उसने एक से ज्यादा टेरिटरी में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं तब। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, ठीक है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर रिलेटेड पर्सन एज गिवन इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन। However, services provided by employee to employer in such course of employment are not treated as supply of services. अगला लिखा है, gift by an employer to an employee ₹50,000, समझ रहे हो कि एक employer ने employee को gift दिया 50,000 का, less in value of financial year should not be treated as a supply. उसको supply में treat नहीं करेंगे क्योंकि वो already मैं बता चुका हूँ वो एक business में involved नहीं है, वो एक गिफ्ट है। गुड्स एंड सर्विसेज बोथ थस गिफ्ट मोर देन 50,000 विल बी सब्जेक्ट ऑफ जीएसटी। क्या वो जीएसटी में आएगा? बिल्कुल आएगा, जीएसटी तो लगी होगी बट वो एक सप्लाई में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। पैरा नंबर 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और बाय एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। कह रहा है कि गुड्स जो है एक प्रिंसिपल द्वारा एजेंट को भेजा जाना और एजेंट द्वारा प्रिंसिपल को सेंड किया जाना। दोनों ही केसेस हम देखेंगे। पहला केस है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए प्रिंसिपल टू हिज एजेंट और नीचे वाला है बाय एन एजेंट टू प्रिंसिपल। देखो विदाउट कंसिडरेशन, जहां पर कोई पैसा नहीं लिया गया, विदाउट कंसिडरेशन अगर हुआ है तो इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। ये क्या होगा? एक सप्लाई होगा, ठीक है। नीचे वाले में विदाउट कंसिडरेशन हुआ है तो इज कंसिडर्ड एज सप्लाई, ये भी सप्लाई में कंसिडर होगा। वेयर द एजेंट अंडरटेक सप्लाई सच गुड्स बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। और नीचे क्या लिखा है? वेयर एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सप्लाई, ठीक है, रिसीव सप्लाई, रिसीव सच गुड्स बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। दोनों में प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हुआ है और प्रिंसिपल मैंने बताया था कि बिजनेस का ओनर हो सकता है कोई, जिसने बिजनेस रन किया है, तो वो बिजनेस अगर चला रहा है तो सप्लाई कंसिडर्ड होगा ही होगा, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन हो या वो विद कंसिडरेशन हो। नेक्स्ट पॉइंट है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग स्कोप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप इन कंटेक्स्ट ऑफ डेल सी क्रिएट एजेंट। डेल सी डेयर एजेंट्स यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब डी सी ए। डी सी ए इज एन एजेंट हु गारंटीज पेमेंट टू प्रिंसिपल सप्लायर, जो गारंटी देता है प्रिंसिपल सप्लायर को उसकी पेमेंट की, इन ऑर्डर टू गारंटली टाइमली पेमेंट टू सप्लायर, जो टाइमली पेमेंट कर सके सप्लायर की। डी सी ए कैन रिजोर्ट टू वेरियस मेथड्स इंक्लूड एक्सटेंडिंग शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन। जो डी सी ए है वो एक रिसोर्स मेथड में एक्सटेंड कर सकता है शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन बेस्ड लोन्स टू बायर और पे सप्लायर हिमसेल्फ एंड रिकवरिंग अमाउंट फ्रॉम बायर, कोई भी रिकवरिंग अमाउंट होगा जो बायर पे विद सम इंटरेस्ट एंड ए लेटर डेट, उसको आगे तक एक्सटेंड हो सकता है। द लोन इज टू बी रिपेड बाय बायर, द लोन इज टू बी रिपेड बाय बायर अलोंग विद इंटरेस्ट टू डी सी ए मैनुअली या म्यूचुअली एग्रीड रेट बिटवीन डी सी ए एंड बायर। देखो नीचे यहाँ पे लिखा है वेदर डी सी ए फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ एजेंट पैरा 3 शेड्यूल 1। यहाँ पे लिखा है इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय, पोजिशन ऑफ डी सी ए।
यहाँ पे लिखा है सप्लायर टू कंज्यूमर, यहाँ पे सप्लायर टू कस्टमर, अगर कोई भी गुड्स इनवॉइस जो है वो इशू करा जाता है, सप्लाई किया जाता है, तो DCA डज नॉट फॉल अंडर एबिट ऑफ एजेंट एंड थस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई. DCA टू कंज्यूमर इज हाउ नेम, DCA वुड फॉल अंडर एबिट एजेंट द वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई. जब कोई DCA अपने खुद के नाम पर उसको बेच रहा है तो वो सप्लाई ट्रीटेड होगा. अगर कोई सप्लायर है जो कस्टमर को कुछ बेच रहा है थ्रू DCA थ्रू है तो वो सप्लाई कंसिडर नहीं होता. क्लियर है? अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट रह गए हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है वेदर टेम्परेली शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन में. अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो DCA है केस वन में लिखा है DCA इज नॉट ए एजेंट, और केस टू में लिखा है DCA इज एन एजेंट, DCA एजेंट है. इनवॉइस इज इशूड बाय सप्लायर टू बायर. देखो अगर सप्लायर टू बायर इशू हो रहा है कोई भी इनवॉइस तो वो DCA जो है उस जगह पर रोल नहीं कर रहा, तो वो एजेंट नहीं होगा. अगर DCA किसी बायर को अपने नाम पर इशू कर रहा है तो वो DCA एजेंट होगा. ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व कौन कौन सी हो सकती है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सप्लाई ऑफ एजेंसी सर्विस, या फिर सप्लाई ऑफ एक्सटेंशन लोन. अगर ये सब चीज़ें सप्लाई इशू हो जाती है, इशू होने के बाद ये जो इन्वॉइसिस है अगर ऐसे इशू करेंगे तो DCA जो है यहाँ पर एजेंट नहीं होता. इसमें एजेंट होगा अगर वो सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज DCA के बिहाफ पर इशूज हो रही हैं सारी. ठीक है, क्लैरिफिकेशन में, क्लैरिफिकेशन में साफ है कि यहाँ पर क्लैरिफिकेशन शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है अगर DCA एजेंट ना हो तो. अगर इन केस DCA एजेंट है तो कंसिडरेशन बेसिस पर या सेपरेट सप्लाई बेसिस पर इशूज कर सकता है. उसके बाद यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट चार्ज बाय DCA वुड नॉट ए पार्ट ऑफ ए वैल्यू ऑफ सप्लाइड, ठीक है, बाय सप्लायर. वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फॉर सच क्रेडिट वुड बी इंक्लूड वैल्यू ऑफ सप्लाई इन द DCA टू बायर. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑफ फ्री सैंपलिंग एंड गुड्स, मतलब कि गिफ्ट, फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स. पहला है फ्री सैंपल्स विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर कोई भी फ्री सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया गया है शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई, वो सप्लाई में ट्रीटेड होगा ही नहीं, ठीक है ना, वो GST अंडर आएगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ITC शैल नॉट बी अवेलेबल टू सप्लायर ऑन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स. कोई भी इनपुट सर्विसेज है या कोई कैपिटल गुड्स है टू एक्सटेंड दे आर यूज्ड इन रिलेशन ऑफ गिफ्ट फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन टू विदाउट एनी कंसिडरेशन. कोई बिना किसी कंसिडरेशन के अगर किसी सप्लायर मतलब कि कोई गुड्स को अगर किसी को गिफ्ट के तौर पे बांट रहा है या फिर कुछ गिफ्ट कर रहा है तो उसका कोई ITC नहीं बनता, ITC अवेल नहीं कर सकता वो, ठीक है. इफ़ एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और फ्री सैम्पलिंग जो है स्कोप ऑफ सप्लाई के लिए हो रही है तब उस जगह पे वो एलिजिबल होता है उसका ITC क्लेम करने के लिए, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम कर सकता है, ठीक है. वो जो सप्लायर है जो गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में बांट रहा है किसी चैरिटी में हो सकता है NGO में, तो उसका शेड्यूल वन के अकॉर्डिंग ITC क्लेम हो सकता है. ओके, अब ये लास्ट टेबल है जो शेड्यूल टू की है. शेड्यूल टू की लास्ट टेबल में हम देखेंगे कि एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई एंड सर्विसेज कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गुड्स और कौन कौन सी चीज़ें जो सर्विसेज में अलग अलग बांटी गई हैं, नहीं कौन कौन सी चीज़ें जो गुड्स एंड कौन कौन सी चीज़ें जो है सर्विसेज में ट्रीटेड हो रही हैं, ठीक है. तो यहाँ पर लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, मतलब टाइटल ऑफ गुड्स मतलब ये गुड्स हैं. यहाँ पर नीचे लिखा है राइट टू यूज़ गुड्स विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन गुड्स, किसी भी रेंटिंग, कोई भी बोल सकता है कि किसी भी गुड्स पे अगर कोई टैग नहीं दे रखा कि वो गुड्स है तो वो सर्विसेज में आएगा, ठीक है. और उसके साथ साथ नीचे वाला जो है जैसे कि रिटर्न है, हायर परचेज करना है, ठीक है, हायर करना है, परचेजेस का, तो वो सारे गुड्स में आएंगे. नीचे आता है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग रहने वगैरह के लिए ली जाती है जो कि लाइसेंसेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लीज़ के लिए, रेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए ली जाती हैं, तो ये गुड्स तो नहीं है, ये सर्विसेज के अंडर आएंगे. ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, अगर कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस है, कोई भी जॉब वर्क है तो वो सर्विसेज में आएगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लो लहंगे का शोरूम है तो वहाँ पर लहंगों की हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, एम्ब्रॉयडरी मीन्स होता है उस पर कढ़ाई वगैरह करना हाथों से, ठीक है, तो वो सर्विसेज है, जॉब वर्क. अगला लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट्स, बिजनेस असेट्स जो होती हैं वो हमारी एक तरह की गुड्स होती हैं, फिक्स्ड गुड्स हो सकती हैं, ठीक है. आगे लिखा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में हो सकता है कोई कॉम्प्लेक्स हो,
कोई भी रेंटिंग एंड रिलीजियस प्लेसेस हो या फिर कोई भी एजुकेशन प्रॉपर्टी हो, जो सारी सर्विसेज के अंडर आएंगी। अगला पॉइंट है यहाँ पे फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाईज। अभी इन सप्लाईज को कहाँ डालोगे आप? इनमें से देख सकते हो वर्क कॉन्ट्रैक्ट या फिर रेस्टोरेंट और केटरिंग की जो है सर्विसेज आती हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स, किसी को सप्लाई करी है किसी भी तरह की, कोई भी सप्लाई हो सकती है, चाहे रॉ मटेरियल हो या फिर कोई भी तरह का फिनिश्ड गुड्स, कोई भी। फॉर एग्जांपल आपने किसी वेलफेयर के लिए, सोशल के लिए, सोसाइटी वगैरह को दान किया है, गिफ्ट करा है, तो वो गुड्स में ही डिनोट होगा। नीचे है नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल नंबर 3 सेक्शन 7 क्लॉज 2 में लिखा गया है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ इन रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो सारी हैं ये नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज, ये ना गुड्स हैं ना सर्विसेज हैं, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर वर्क जैसे होता है ना, तो वो चीज़ है। टैक्स ट्रीटमेंट कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई सेक्शन नंबर 8 टैक्स ट्रीटमेंट कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई सेक्शन 2 क्लॉज 30 इट कंप्राइजेज ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ और एनी कम्बिनेशन देयर ऑफ। यहाँ पे लिखा है दो और मोर, मतलब कि दो या दो से ज़्यादा जो टैक्सेबल सप्लाईज होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कम्बिनेशन होती है वो यहाँ पर इंक्लूड है कंपोजिट सप्लाई में। सेकेंड है कोई भी न्यूट्रल बंडल हो सकता है, सप्लाई कंजक्शन हो सकते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस यूज के लिए, या फिर वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, एक ऐसी कोई प्रिंसिपल सप्लाई हो सकती है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, कुछ भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज कंस्टिट्यूट प्रेडोमिनेंट एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड टू विच अदर सप्लाई फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई इज अनक्लियरिंग। टैक्स ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा है ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई, ये एक ऐसी सप्लाई है जिसको प्रिंसिपल सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाएगा। जीएसटी रेट क्या है? जीएसटी रेट एप्लीकेबल टू प्रिंसिपल सप्लाई विल बी लिविड ऑन होल सप्लाई। इन पर जीएसटी रेट लगाया जाता है क्योंकि ये प्रिंसिपल सप्लाई की तरह ट्रीट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं भाई, एग्जाम्पल्स में यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि एग्जाम्पल्स में मोबाइल फ़ोन है, बैग है, लैपटॉप है, 3-4 दिन का पैकेज है, कोई भी ब्रेकफास्ट या कोई भी होटल वगैरह का रूम डिनर है, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो। मिक्स सप्लाई सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज 74, इसमें क्या लिखा है? कंप्राइज कह रहा है कि टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकती है, कोई कॉम्बिनेशन देर ऑफ हो सकता है, कंजक्शंस वगैरह की टैक्सेबल पर्संस हो सकता है, ठीक है। फॉर सिंगल प्राइस, कोई भी सिंगल प्राइस के लिए हो सकता है, या फिर वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट ए कंपोजिट सप्लाई, जिस सप्लाई को हम कंपोजिट सप्लाई ना कंस्टिट्यूट करें वो। टैक्स ट्रीटमेंट रेट ऑफ टैक्स, यहाँ पे लिखा है टैक्स ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट एज सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट हाई रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स क्या है? होल सप्लाई इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ सप्लाई विच हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, जिस पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा वो टैक्स ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि हाईएस्ट रेट होता है जैसे 40%, 28%, तो इस तरह के। फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट पैकिंग, चॉकलेट स्वीट्स वगैरह के बॉक्सेस हो सकते हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर बॉटल्स या रेफ्रिजरेटर हो सकता है, फ्री बकेट एंड डिटर्जेंट, टूथपेस्ट वगैरह ब्रश हो सकता है, कोई भी यहाँ पर पैकेजिंग हो सकती है जैसे कि चॉकलेट जूस, ड्राई फ्रूट्स वगैरह की पैकेजिंग, कोई भी सिंगल प्राइस पर। ओके तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई में डिफरेंस। थोड़ा सा कंपोजिट सप्लाई में नेचुरल बंडल्ड आते हैं, सप्लाई टुगेदर होती है, जहाँ पर सप्लाई सेपरेटली होती है। वन इज प्रेडोमिनेंट सप्लाई ऑफ रेसिपिएंट, ईच सप्लाई इज नॉट प्राइस्ड सेपरेटली। ओके दूसरा है मिक्स्ड सप्लाई, मिक्स्ड सप्लाई में कोई भी न्यूट्रल यहाँ पे बंडल्स नहीं आते हैं, यहाँ पे जो सप्लाई होती है टुगेदर, बट कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, ठीक है, कंपोजिटली नहीं सेपरेटली। यहाँ पे लिखा है ईच सप्लाई इज नॉट प्राइस सेपरेटली, हर एक का सप्लाई का प्राइस जो है वो सेपरेट नहीं होता। सर्विसिंग ऑफ कार्स,
CN, इन्होंने लिखा है यहाँ पर सर्विसिंग ऑफ कार्स। सर्विसिंग ऑफ कार्स इन्वॉल्व सप्लाई बोथ एंड गुड्स स्पेयर पार्ट्स। देखो ये गुड्स और सर्विसेज दोनों में आती है। स्पेयर पार्ट्स जो होते हैं वो एक तरह से गुड्स एंड सर्विसेज में कर सकते हैं, जो लेबर वगैरह वहाँ पे काम कर रहे हैं वो एक तरह से सर्विसेज की तरह चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोनों में ही एप्लीकेबल करा जाता है और इस पर जो टैक्स वगैरह लाइबल होता है वो दोनों गुड्स एंड सर्विस के अलग अलग सेपरेट रेट्स की वजह से सेपरेट सेपरेट चार्ज किया जाता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जो पूरा यहाँ पे कवर्ड हो चुका है। अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। नोट्स मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और नीचे स्क्रीन पे ये मेरा नंबर शो कर रहा है, इस पे आप कॉल करके कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी। ज़्यादा पेजेस नहीं होंगे, अगर बुक से पढ़ोगे या वीडियो से पढ़ोगे तो भाई बुक से तो लगभग 400 पेजेस है, बट नोट्स में आपको 70 या 60 पेजेस के अराउंड सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। बाकी एज यू विश। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। इससे बाकी जो सारे चैप्टर्स हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हमारे ग्रुप्स को व्हाट्सअप के या टेलीग्राम के या इंस्टाग्राम के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक नीचे दिए हुए हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके।